वृक्ष हमारे पर्यावरण को संतुलित करते हैं। गार्डनिंग बहुत जरूरी है। किसानों की जिंदगी को बचाने के लिए तो पहल कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी धरोहर के बारे में कुछ सोचे हैं? निश्चित रूप से जो इस शहर का धरोहर है उसका बुनियाद रखने नहीं पाए हुए, इसलिए हम लोग को सब लोग को इसमें पहल करनी चाहिए कि पूरे बिहार में दो ही जगह सूर्य मंदिर है, एक औरंगाबाद में एक रक्सौल में, और इस थाना परिसर में इस मंदिर का निर्माण से न केवल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है बल्कि दूर दूर से जो पर्यटक आते हैं उनके लिए भी आकर्षण का केंद्र है। तो निश्चित रूप से ये सब हम लोग का सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि इस मंदिर को जो स्थिति है उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो, सुधार हो, इसका सौंदर्यीकरण हो और इसकी बुनियाद रखने नहीं पाए, इसके लिए सब हम लोग सामूहिक प्रयास करें। और पर्यावरण के विषय में पूरा रक्सौल में हम लगाने जा रहे हैं, जो मेन रोड का बन रहा है, जो बीच में देख रहे हैं, वो जल्द से जल्द सरकार द्वारा ठेकेदार द्वारा तैयार किया जाए, उसमें हम पूरा वृक्ष लगाएंगे। शहर में जितने भी किनारे सड़क है, जगह है, वहाँ सब जगह हम लगाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि हम लोग कार्यक्रम में आकर के आपने हम लोगों का ये दिया। हम लोगों ने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, लगभग हम लोग 50 वृक्ष आज लगा रहे हैं रक्सौल थाना परिसर में, और भारत विकास परिषद की आज स्थापना दिवस है, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज ये कार्यक्रम को रखे हैं। वृक्ष आज स्थापना दिवस है भारत विकास परिषद का, और भारत विकास परिषद का मूल उद्देश्य है सामाजिक कार्यों को, हरियाली को, विभिन्न सा जो है उद्देश्य है इसको पूरा करना। भारत विकास परिषद के सभी सदस्य लगे हुए हैं इसमें। इसी संदर्भ में आज थाना परिसर में वृक्षारोपण का प्रोग्राम हुआ। बाबा मठिया है यहाँ, वहाँ भी काफ़ी ज़मीन है, वहाँ यदि पेड़ लगा दी जाती है तो वो भी एक पिकनिक स्थल के जैसे मतलब हो जाएगा, वहाँ पर लोग जाएंगे बैठेंगे। नागा रोड में? हाँ, नागा रोड। ऐसा है कि हम लोग पूरे शहर में जो है ना जगह चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपको पेड़ पौधा लगाना चाहिए, तो जगह हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उसके वहाँ पौधा लगा कर उसका संरक्षण संवर्धन के लिए भी हम लोग प्रयासरत रहे हैं, जगह चिन्हित हम लोग कर रहे हैं। वो बोले वृक्ष हमारे पर्यावरण को संतुलित करता है और वृक्ष को एक संतान का रूप दे करके उसका लगाना भी है हर आदमी को, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारा स्वास्थ्य संवर्धन हो, समाज का हर जिस तरह से पेड़ छाया देता है उसी तरह से लगेगा कि नहीं सब लोग जो है सो संपन्न है एकदम। वृक्ष एकदम संतान को मान के कि संतान है हमारा, उसका पूरा उसके देख रेख और उसके इसमें जो है सो सारा योगदान करना है, वृक्ष लगाना है, भरपूर वृक्ष लगाना है और पृथ्वी और पर्यावरण को संतुलित करना है। वृक्ष हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वृक्ष सबको लगाना चाहिए, इसकी रक्षा भी करनी चाहिए। धन्यवाद। वृक्ष जो है हर किसी को लगाना है, ठीक है। जैसे होता है कि आपके जैसे एक साल में कोई एक दिन तो आपके लिए महत्वपूर्ण होता होगा ना, जैसे बर्थडे हुआ, आप शादी कर लें तो एनिवर्सरी डे हो गया, वैसे तिथि पे कम से कम एक वृक्ष को लगाइए। और वृक्ष में दो फायदा होते हैं, छाया भी मिलता है और फल भी मिलता है ना। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण भी संतुलित होगा, हरा भरा होगा, टाइम पर बारिश होगी और सभी लोग सुखी संपन्न होंगे। और वंदे मातरम में भारत विकास परिषद का एक अच्छी पहल है, और इसी तरह रक्सौल को हरा भरा किया जाए और इसका संदेश पूरे दुनिया और पूरे समाज और हमारे देश में जाए और इसको और आगे बढ़ाया जाए, बहुत अच्छी पहल है। धन्यवाद। और भारत विकास परिषद के आज स्थापना दिवस है, आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। आज बहुत खुशी का दिन है, हम लोग भारत विकास परिषद के द्वारा आज थाना परिषद में वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किए हैं। वृक्ष जो है लगाना बहुत ही शुभ काम है, इससे बहुत जो है बच्चे लोग को चाहे हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और छाया भी मिलता है, फल भी मिलता है। आज का दिन हम यही आह्वान करते हैं आपके द्वारा कि सबको एक वृक्ष लगाना चाहिए, जन्मदिन पर हो गया, कोई खुशी का दिन हो, एक वृक्ष ज़रूर लगाएँ और ये पर्यावरण को बचाएं
रखे और जो है हम लोग जो है सुखी रहे। देखिए इस ज़माने में कूलर एसी सब के लिए लोग लगाते हैं इस गर्मी में राहत के लिए, तो सबसे बड़ा राहत है कि देखिए एक वृक्ष लगाए और वृक्ष का सेवा भी करें, जैसे गाय का सेवा हम लोग करते हैं उस तरह से वृक्ष का भी सेवा करें और सेवा करके उसको हम लोग उज्ज्वल करें, आगे बढ़ाएँ और उसका फल भी खाएँ, उसका छाया भी लें। धन्यवाद।